स्वयं उसकी जानकारी देता है, इसलिए उसमें न तो राहुल गांधी जी का फेक न्यूज चल सकता है, न अखिलेश यादव जी की कोई छुपाने अटकाने लटकाने भटकाने की नीति चल सकती है। और उसे 9 साल में 9 सवाल पूछ रहा है, बड़ा अच्छा लगा। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, जो राहुल गांधी के पार्टी के काल में 40 से 60 हजार रुपया घूस देने दिया जाता है। मंत्री लोग कहते थे कि हम क्या करें जी, 100 रुपया भेजते हैं 15 ही रुपया पहुंचता है, और वो कोई और नहीं थे, राहुल गांधी जी के बाबू जी थे। क्या कब तब सरकारी नहीं होती थी? सब होती थी, लेकिन अगर नहीं होती थी तो नीति और नियत नहीं होती। भाजपा सांसद एवं भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी ने पत्रकार वार्ता में पहलवानों के मुद्दे पर मीडिया से खुलकर बात की। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि पहलवानों के बयान समय समय पर बदलते रहे, जिस कारण से उस जांच के निष्कर्ष पर पहुंचना अति आवश्यक हो चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहलवानों से मुलाकात करने गई पीटी उषा को वहां पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा पीटा भी गया। हालांकि मनोज तिवारी ने यह भी साफ किया कि धाविका पीटी उषा को पहलवानों के द्वारा नहीं पीटा गया, बल्कि वहां पर मौजूद अवांछनीय तत्वों ने पीटी उषा को मारा पीटा। अपने लिए जो भी उन्होंने सवाल उठाया है उसमें FIR हुई है। समय समय पे उनके कुछ बयान बदले हैं, इसलिए उसमें एक जांच की आवश्यकता थी, और जांच है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको इनकी जांच का निष्कर्ष आने दीजिए, पक्का न्याय होगा। बस मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक लोग आकर के उन पहलवानों को जो कभी कभी डिस्प्यूट दे देते हैं, अब एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक दिन मैं उन पहलवानों से दिल्ली में मिलने जा रहा था, मैंने पीटी उषा जी से बात की। पीटी उषा जी ने कहा ओके मनोज हम चलते हैं, और अब समझ लिया हमको और उनको आने में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, और पीटी उषा जी पहले चली गई। पीटी उषा जी को पीटा गया वहां। इस देश का गौरव पीटी उषा ने कैसे, अभी तक भारत की कोई भी महिला धाविका उस मानक को नहीं छू पाई है। पीटी उषा जी उनसे बात करने, पहलवानों ने नहीं मारा, वहां जो लोग अवांछनीय तत्व थे उन्होंने पीटी उषा को मारा, और पीटी उषा को भाग करके जान बचानी छोड़ी। ये क्या सुरक्षा की स्थिति रही नहीं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे थे। आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है। सर मेरी बात सुनिए, हाँ वो उसकी कंप्लेन हुई है, हम केवल आपको ये कह रहे हैं, हम तो अपेक्षा ही नहीं की पीटी उषा पहलवानों की मतलब खिलाड़ियों की टीम में पीट सकती है। ना मेरी बात, हाँ हमारे अनुमान का फेल्योर कह लीजिए, हम ऐसा अनुमान नहीं लगाए कि वहाँ पीटी उषा पीट सकती है। पत्रकार वार्ता में उठे सवाल कि अखिलेश यादव का महाजनसंपर्क अभियान को लेकर कहना है कि भाजपा विगत 9 वर्षों से जनता से दूर रही, जिस कारण उसे जनसंपर्क अभियान की आवश्यकता पड़ी, के जवाब में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष खुद को मालिक समझ बैठा है और भाजपा जनता को मालिक समझती है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल जनता से दूर रही है, इसलिए उसको महाजनसंपर्क अभियान चलाना पड़ रहा है, क्या कहना है इस पर आपको? नहीं, उसे भूल गए, मैंने कहा ना कि हम तो पहले साल में भी किए थे और 9वें साल में भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जनता को मालिक नहीं समझते, वो खुद को मालिक समझते हैं, इसलिए उनको शर्म आती होगी अपनी बात कहने में। हम तो बार बार कहेंगे, अपने मालिकों को बताएंगे, और हम अभी तो 9 साल का कर रहे हैं, हम 10 साल वाला भी करेंगे। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी और ओवैसी पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि राहुल देश के बाहर भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का कुचक्र रच रहे हैं। वहीं चीन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वहां हजारों मस्जिद गिरा दी गई, लेकिन ना ओवैसी बोले और ना ही राहुल गांधी, और ना ही सेकुलरवाद का ढिंढोरा पीटने वाले नेताओं के मुंह खुले। कि हमारे देश के मुसलमान भाई भी, मैं राहुल जी को सुन रहा था अमेरिका में, कल का समाचार अगर आप सबके बीच में आया हो, चीन में कल एक बहुत ऐतिहासिक मस्जिद को गिराकर जमींदोज कर दिया गया। न तो ओवैसी का एक बयान आया है,
न तो राहुल गांधी का बयान आया है, न तो अखिलेश यादव जी का बयान आया है और न ही पाकिस्तान का बयान आया है। 8,000 मस्जिदों को तोड़ दिया है चीन में, और हमारे भारत में भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हम आपको एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दे के आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो बढ़ रहे हैं, देश की प्रगति में हिस्सा ले रहे हैं। इसी वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि हाल ही में विदेश गए पीएम मोदी का बढ़ा हुआ रुतबा देखकर अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं की नींद गायब हो गई है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि मोदी से कैसे निपटा जाए। प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं नरेंद्र मोदी इज द बॉस, आप सोचिए राहुल गांधी को 2-4 हफ्ता नींद नहीं आई, अखिलेश यादव जी का खाना अच्छा नहीं लगा होगा जब बोला गया होगा, दिन रात सुबह उठ के गाली देना, शाम को गाली देना, फिर सोने के साथ सपने में भी उनको गाली देते होंगे नरेंद्र मोदी को,